हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडलस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग नीट 2020 जो आज एग्जाम हुआ है उसके एनालिसिस के बारे में हम देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, उसका वेटेज कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी कि इसकी आंसर की क्या है, इसका सोल्यूशन कब आने वाला है और इसका ऑफिशियल कट ऑफ क्या होगा और एडमिशन के लिए कौन सा कॉलेज हमारा कट ऑफ क्या रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए। और कोई भी चीज आपको रिक्वायर्ड है तो उसका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना पेपर कोड भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसकी आंसर की भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें टोटल 180 क्वेश्चन थे पेपर में, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड 90 बायोलॉजी। और जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट है उन्होंने बताया कि सर आउट ऑफ 180 145 क्वेश्चंस वेयर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। पेपर का लेवल इजी था, ठीक है। आगे हम और देखेंगे कि इसमें फिजिक्स वाइज, केमिस्ट्री वाइज और मैथ्स के बायो के हिसाब से इसका क्या कुछ एनालिसिस निकाला गया है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की डिफिकल्टी लेवल में देखें तो इट वॉज 62% इजी लेवल क्वेश्चन, ओनली 6.7% क्वेश्चन वॉज ट्रीटेड एज ए टफ, ठीक है। मतलब केवल 3 क्वेश्चन थे जिसको हम टफ की कैटेगरी में रख रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। 31.1 को मॉडरेट लेवल बोला गया है। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज 31% था, इनऑर्गेनिक वॉज 40% एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज 28.9%। क्लास वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसा यूजुअली होता है, 11th का वेटेज थोड़ा सा कम और 12th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा, इक्वली है, दैट इज 46.7 एंड 53.3। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की डिफिकल्टी लेवल में देखेंगे तो फिजिक्स वाज 66.7%, क्वाइट इजी, 26.7 इजी टू मॉडरेट एंड 6.7% वाज लिटिल बिट टफ क्वेश्चन। इसमें अगर टॉपिक वाइज जाए तो ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स से 15.6% क्वेश्चन है, मैकेनिक्स 37.8% है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 17.8% और थर्मोडायनेमिक्स से सबसे कम 8.9 पूछा गया एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म 20% किया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 11 से 46.7% पूछा गया है एंड 12th का वेटेज 11 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 क्वेश्चन ज्यादा आए थे 11 से और इसका वेटेज था 53.3%। बायोलॉजी की बात करें जिसमें से सबसे मेजॉरिटी में जो रैंक डिसाइड करता है वो बायोलॉजी डिसाइड करता है, क्योंकि इसका वेटेज जो है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के बराबर होता है, क्योंकि ये अकेला 360 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इस पेपर में टोटल जो डिफिकल्टी लेवल है फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ है। इसकी हार्डनेस जो है वो 50% है एंड इजी क्वेश्चन वाज क्वाइट लेस, दैट इज 16.7% क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में रखा गया है, बाकी जो है 33.3% मॉडरेट लेवल एंड अराउंड 50% क्वेश्चन जो है वो टफ रखे गए हैं। टफ इसलिए क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस पैटर्न है उसमें जितने भी नीट के क्वेश्चन होते थे, लास्ट ईयर की बात करूं तो 87-88 क्वेश्चन जो थे डायरेक्टली एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से पूछे गए थे। इस बार एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से अराउंड 75-77 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे नहीं पूछे गए, और जो पूछे गए हैं उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ट्विस्ट भी किया गया है। अब इसमें खास बात क्या रही कि इसमें इकोलॉजी से 17% था, बायोलॉजी इन ह्यूमन से 14.9, जेनेटिक्स से 17%, प्लांट फिजियोलॉजी से 17%, स्ट्रक्चर से 10.6 एंड डाइवर्सिटी से 14.6 था एंड रिप्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट वेटेज हमेशा स्कोर करता है और इस बार भी इसका वेटेज सबसे ज्यादा था, दैट इज अराउंड 19%। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे तो यहाँ पे एक सरप्राइज मिला था हम लोगों को कि 11th क्लास का वेटेज एज कम्पेयर टू 12th क्लास थोड़ा सा ज्यादा था। यूजली क्या होता है, हमेशा 12th का वेटेज ज्यादा होता है, इस बार 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो 11th में ज्यादा है एज कम्पेयर टू 12th। ओवरऑल बच्चों का जो रिएक्शन है, काफी अलग अलग सेंटर पे हम लोगों ने विजिट किया तो वहां पे काफी बच्चों के अलग अलग रिएक्शन थे, तो उसको भी अगर हम लोग पिन डाउन क्या बच्चों का रिएक्शन था तो कई बच्चों ने बोला कि पेपर जो है काफी इजी था, ठीक है ना, इट वॉज क्वाइट ट्रिकी ऑल्सो कुछ बच्चों के हिसाब से, और कई बच्चों ने बोला कि पेपर जो है जस्ट लाइक 2019 एग्जाम और कुछ नहीं था, बायोलॉजी जो था वो ट्रिकी था। तो इसके हिसाब से मेरिट डाउन भी जा सकती है, बट कुछ बच्चों का बोलना है कि सर सेम लेवल पेपर था जैसा कि एनटीए के अभ्यास में पेपर आ रहे थे, एनटीए अभ्यास के पेपर थे वैसे ही हैं, तो परसेंटेज कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है।
मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। बायो में एक या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आए थे जेनेटिक से, ये भी एक चीज बताई गई है। और केमिस्ट्री जो था सबसे इजी था इन तीनों में, और फिजिक्स यूजुअली टफ रहता है लेकिन इस बार थोड़ा सा आसान था। तो मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आप लोगों के रिजल्ट के लिए, आप लोगों के आंसर की के लिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसकी आंसर की आप लोगों के पास आएगी और साथ ही इसका जो कट ऑफ है वो भी आपको बताएगा। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसीजर के लिए जितने भी आप लोगों को रूल्स रेगुलेशन चाहिए होंगे सब यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उन सब चीजों का भी सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।